नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुकरती हूँ इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में नगर में शकल जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस, दिया ज्ञापन। जी हाँ, आपको बताते चले, तीर्थ स्थान समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में कसरावत क्षेत्र जैन समाज सड़क पर उतर आया है। बुधवार को बड़ी संख्या में समाज ने मौन रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। नगर के पुराने जैन स्थानक से दोपहर करीब 2 बजे रैली निकाली गई, जो नगर से होती हुई तहसील कार्यालय पहुंची, जहां भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रमेश सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि जैन समाज के सबसे बड़े परवा धीरज 20 तीर्थकारों की मोक्ष भूमि समेत शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया है। उक्त मामले का विरोध करने सकल जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर मौन जुलूस निकालकर झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें शामिल होकर जैन समाज के बच्चे, बूढ़े और बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सरावत क्षेत्र के लोग हम एकत्रित होकर केंद्र की सरकार और झारखंड की सरकार के द्वारा जैन समाज के शाश्वत तीर्थ समय शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया और इको टूरिज्म के नाम से जैन समाज की उस तीर्थ क्षेत्र पर पवित्रता और उसके स्वत्व का कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए समग्र जैन समाज में वहाँ पर हिंसक गतिविधियां प्रारंभ न हो पर्यटन स्थल के नाम पर, इस कारण समस्त जैन समाज में आक्रोश है और वे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से हमने आज तहसीलदार साहब को, समग्र जैन समाज कसरावत ने यह ज्ञापन दिया। आज आपका मौन जुलूस था और अगर ये आपकी मांग अतिशीघ्र नहीं मानी गई तो क्या उग्र आंदोलन भी करेंगे? निश्चित ही यह हमारे तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए हम सभी जैन अपनी अंतिम सांस तक जितना उग्र आंदोलन करना पड़े हम निश्चित रूप से करेंगे।